हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14, मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना दोस्तों कि ये जो हम लोग को पढ़ाया जाता है लाइक सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में, दसवीं में, ये क्या होता है, एक बेस होता है। क्योंकि आप जब भी आप आगे जाओगे, यानी कि असली पढ़ाई कब शुरू होती है, आपको तो ये सब जो चीज़ें बेसिक होती है। यहाँ पे एक मिनट आपका लेना चाहूँगा, बस ज़्यादा नहीं, कि ये जो बेसिक पढ़ाई होती है दोस्तों, ये क्यों कराया जाता है, क्योंकि हम लोग जो मेन पढ़ाई होती है वो 11वीं के बाद शुरू होती है, 11वीं 12वीं, उसके बाद हम ग्रेजुएशन जब करते हैं या BSc जब करेंगे, लाइक हम ये क्या है, साइंस है, तो ये आप क्या पढ़ोगे, आगे जाके BSc पढ़ सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है ना, आप रिसर्च में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, ये सभी चीज़ आपका जानकारी किससे आएगा, बेस से आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट क्या होता है, हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो ये को अगर पता रहेगा और ये चीज आप अगर आज अच्छे से बेसिक पढ़ लेते हो ना, कंसेप्चुअल नॉलेज ले लेते हो, तो आप जब आगे जाके इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन जब करोगे ना, तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि आप वो चीज आराम से पढ़ पाओगे। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं आप लोग को कि जो भी हम पढ़ाते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज, ये आपको ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। तो ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ, ठीक है, हीट का मतलब क्या होता है। तो हीट की बेसिक बात करें, हीट क्या है, हीट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो हमें बताता है कि क्या हीट हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करें, मेन चीज़ जो होता है हीट को बताने वाला वो कौन होता है, टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा है कि गर्म है। अगर मैं बात करूँगा कि कोई ऑब्जेक्ट है 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा, आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो, वो ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म है। लेकिन अगर मैं दो ऑब्जेक्ट रख दूं, एक 10 डिग्री पे है और दूसरा 50 डिग्री पे है, अब आप बता सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट हीटेड है या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट है या फिर हॉट ऑब्जेक्ट है, वो कैसे बता सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपेयरिंग बिटवीन टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इट्स टेम्परेचर। तो 10 डिग्री पे है तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसके कंपैरिजन में ये ठंडा हो गया, इसके कंपैरिजन में ये गर्म हो गया, तो इसके हिसाब से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि क्या होता है हीट। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है, और हीट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है, जैसे कि हम लोग का केमिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, वैसे ही एक हमारा एनर्जी है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। तो हीट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आप ध्यान से सुनो। और कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म है या फिर कैसा हीट है उसके अंदर, वो हम लोग को कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ कोल्ड और हाउ हॉट ऑब्जेक्ट इज, ये हमें को सबसे पहले पता चलता है। एंड इससे हम लोग को ये रियलाइज होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज आप एक आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है, और लेट सपोज आप एक गरम गरम बिरयानी खा रहे हो, ठीक है ना, आ गया पानी मुंह में, ठीक है, बिरयानी का नाम सुन के, तो आप आइसक्रीम खा रहे हो और बिरयानी खा रहे हो, तो आप जब आइसक्रीम खाओगे तो आपको एक ठंडक महसूस होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड है, और आप बिरयानी खाओगे तो आपको गरम गरम बिरयानी खाओगे तो आपको ऐसा हॉट महसूस होगा अंदर से, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है। तो कंपेयर करके टेम्परेचर को हम लोग बता सकते हैं, वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और वेदर द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, ये चीज़ हम लोग बता सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, हीट के बारे में पढ़ी भी है। तो हीट को मेजर करने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है कि हीट को सबसे ज्यादा जो ऐसा यूनिट जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना, हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हुआ, डिस्टेंस है तो किलोमीटर हुआ, मीटर हुआ, ये सभी चीज़ें, वैसे हीट को यहाँ पे मेजर करने के लिए एक ऐसा यूनिट होता है दोस्तों। तो ऐसा यूनिट आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछता है। तो ऐसा यूनिट जो होता है ना हीट का, वो आपको याद रखना है, क्या होता है दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। एक साइंटिस्ट था जूल नाम का, उन्होंने ही अपना नाम देके रखा, जूल दे दिया। एंड एक और CGS यूनिट में इसका जो यूनिट होता है, बात करें ऐसा यूनिट तो हीट का जूल हो गया, और CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का यूनिट जो होता है वो होता है कैलोरी, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो या तो आप जूल बोल लो या तो आप कैलोरी बोल लो, ये दो चीज आपका जो यूनिट है वो डिसाइड करता है, ठीक है, ये दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों। एंड अब बात कर लेंगे ये जो हीट है इसके सोर्सेस क्या क्या, यानी कि कहां कहां से हीट आ सकता है और कहां कहां आपको महसूस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हीट के बारे में, ठीक है, क्या इसके सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ हीट। तो सोर्सेस ऑफ हीट की बात करें, सबसे मेन सोर्स है पूरे हीट का, पूरे ब्रह्मांड को जो हीट सप्लाई कर रहा है, हमें भी जो सप्लाई कर रहा है, प्लांट्स को भी सप्लाई कर रहा है, वो है सन। सन एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हीट माना जाता है पूरे ब्रह्मांड के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक गैलेक्सी में रहते हैं, अब वो जो क्वांटम फिजिक्स का जो थ्योरी है कि ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड है, वो सच है कि झूठ है, हम लोग अभी तक बता नहीं सकते हैं। नॉर्मली ये सब चीज़ हमने पिक्चर्स वगैरह में बहुत सारे देखा है, साइंस फिक्शंस के मूवीज वगैरह होते हैं कि बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, बहुत सारी ये होती है। तो मैं भी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं बोल सकता कि कितनी होती है, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो एक ही गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, सन है, और 8 प्लैनेट है जिसमें हमारा जो सन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, एंड इसी के वजह से हमें हीट जो है वो मिलता है। तो सन क्या है, सबसे बड़ा जो है एक सोर्स है हीट का,
एंड सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो पूरे वर्ल्ड को पहुंचता है वो नेचुरल तरीके से वो है सन। अब सन के अंदर ऐसा क्या चीज होता है दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही उठता है ना कि सन के अंदर ऐसा क्या चीज है जो इतना हीट प्रोड्यूस करता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सन के अंदर दो गैस छुपे होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। और ये हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपस में रिएक्टिव एलिमेंट्स है और इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं कि हर सेकेंड में ना मिलियंस ऑफ ब्लास्ट होते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि हम जहां पर रह रहे, लेट सपोज वहां पर ना हर एक मिनट में ब्लास्ट हो रहा है, आग लग रही है, ब्लास्ट हो रहा है, जैसे बॉम्ब फूटता है कैसे ब्लास्ट होता है वैसे ब्लास्ट हो रहा है अगर, तो सोचो आपका आसपास का एरिया का जो टेम्परेचर का वो कितना ज्यादा हाई हो जाएगा, बहुत गर्मी लगेगी ना। कभी कभी आपने महसूस किया है होली के अंदर, होली के दिन में हम होली का जलाते हैं तो आसपास चक्कर काटना होता है, ठीक है ना, होली के ऐसा गोल गोल चक्कर काटते हैं, तो हमें कितना हीट महसूस होता है कि वो आग जल रही है। तो सोचो दोस्तों कि वो पर्टिकुलर ब्लास्ट अगर हर सेकेंड में मिलियंस ऑफ ब्लास्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही ऐसे एलिमेंट है जो आग के यानी कि कॉन्टैक्ट में आते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम जब रिएक्ट करते हैं तो हर चीज में उनका क्या होता है, बम्बार्डमेंट होता है, यानी कि एक तरीके से रिएक्शन इतना तगड़ा होता है ना, वो इतना ज्यादा क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब रिएक्शन होगा, तगड़ा ब्लास्ट होगा, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा और साथ में लाइट प्रोड्यूस होगा। तो जो हमें नेचुरल तरीके से हीट मिलती है, जो गर्मी मिलती है सूरज दादा से, हम लोग खड़े हो जाते हैं ना धूप में जाके तो कितना गर्म लगता है, तो वो हीट सोचो हम लोग मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है सन से तो भी हमें इतना धूप लगता है, तो सोचो सन के जो नजदीक जाता होगा उसका हाल क्या होगा, वो उधर पे जल के राख हो जाएगा। इसके लिए आपने सुना भी होगा बहुत सारी चीजों में कि अगर कोई भी लाइक स्पेसशिप लेके, एक साइंस फिक्शन का एक बताता हूँ आपको कि कोई भी अगर स्पेसशिप लेके अगर अर्थ के थोड़ा सा और दूर चला गया ना, तो उसकी जो स्पेसशिप है वो जल के राख हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि सन के नजदीक जितना जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उतना उसका स्पेसशिप झेल नहीं पाएगा, तो उधर ही पिघल के राख हो जाएगा, जल के ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा होता है लाइट, जो हमें रोशनी मिलती है वो भी सन से नेचुरल तरीके से मिलती है, दिन के टाइम हमें इसलिए लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग ये लाइट से काम चलाते हैं। तो ये तो सबसे पहला सोर्स हो गया सन के बारे में जो कि आपको मैंने बता दिया। सेकेंड जो सोर्स है हमारा वो है अर्थ। अब अर्थ की बात करें, हमारा पृथ्वी जहां पे हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी जो होता है दोस्तों हमारा क्या है, अगर हम बात करें हमारे पृथ्वी के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोर। सेंटर में एकदम बीचों बीच अर्थ के हम लोग ऊपर रहते हैं, आपको याद रखना है ये अर्थ है तो हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े हैं, ऊपर रहते हैं, बिल्डिंग्स भी ऊपर है, यहाँ पे अंदर नहीं है। तो अंदर क्या होता है, एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं मेंटल एंड कोर। तो हम लोग कोर की बात करेंगे, मेंटल भी होता है, आपने शायद हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा शायद से ये चीज। तो कोर की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा हीट होता है, इसके लिए हमारा जो पृथ्वी होता है ना वो यहाँ पे हीटेड होता है, वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो टाइप हीट एनर्जी होती है ना अर्थ के अंदर जो होती है, इसको ही हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों? जियोथर्मल एनर्जी। ये चीज आपको याद रखना है, जियोथर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं जो हमारे अर्थ के अंदर, जियो मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ के अंदर से भी टेम्परेचर आता है क्योंकि उसके अंदर कोर है जो कि उबलता हुआ लावा, एक तरीके से आप बोल सकते हो। हमारा पृथ्वी पहले पूरा ऐसे ही था, तो इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। थर्ड की बात करें, जो सोर्स हो सकता है, थर्ड सोर्स हो सकता है केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारी केमिकल की दुनिया में रहते हैं, आज के डेट में तो हर चीज़ केमिकल से बना होता है। तो केमिकल एनर्जी की बात करें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जब होता है अगर हम बात करें, और बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स आ गए हैं मार्केट में जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो फ्यूल जैसे कि आप लोग सबसे पहले तो लकड़ा जलाना सीखे होंगे, जो स्टोन एज मैन थे उन्होंने लकड़ा ही जलाया था सबसे पहले, तो लकड़े जलाते हैं। फिर आप लोग फ्यूल जो नॉर्मल अभी केमिकल के ज़माने में जो मिलते हैं आपके, पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी चीज़ जो होते हैं ये सब क्या है, फ्यूल है जिसको हम लोग जलाते हैं। तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, एक तरीके से हीट मिलता है, लाइट मिलता है, लेकिन लाइट से हमें अभी फिलहाल में लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर हीट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हीट मिलता है जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, हम लोग कुछ गाड़ियाँ चलाने के लिए करते हैं, कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, कुछ चीज़ जलाना है उसके लिए करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड साथ में बात कर लेते हैं, एक और एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एक और सोर्स है हीट का, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को बोर्ड को देख पाओ अच्छे से, ठीक है। ये थर्ड तक हो गया, ऊपर का जो पार्ट है मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये थर्ड सोर्स हो गया हमारा। फोर्थ सोर्स की बात करो दोस्तों, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, वी नो दैट कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए दुनिया में, अगर बात किया जाए आज का जो डे टू डे लाइफ जो चल रहा है, इतना मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, तो आज के जमाने में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो हर चीज़ बिजली से हो गया, और बिजली आपको पता है, बिजली जब होती है तो उसमें करंट होता है और करंट से हीट प्रोड्यूस हो सकता है, ये आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे डिवाइस होते हैं जैसे कि आपका आयरन हो गया जिसको प्रेस बोलते हैं, ठीक है ना, उसको देखो प्लग लगाओ चालू करो तो आपको हीट महसूस होता है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, ये सभी चीज़ें आप रोटियां पका सकते हो, खाना बना सकते हो सीधा सीधा, इंडक्शन हो गया, ये सभी चीज़ क्या होते हैं, गीजर है, गर्म गर्म पानी चाहिए, बिजली चालू किया, सीधा करंट की वजह से आपका हीट हो गया। तो ये सभी चीज़ क्या, एक सोर्स है, आर्टिफिशियल सोर्स है, भले ही नेचुरल नहीं है जैसा सन था,
लेकिन फिर भी हम लोग ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारा जो हीट है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रिकल से चलने वाले, इलेक्ट्रिसिटी से यानी बिजली से चलने वाले जो चीज़ें हैं वो लोग हम लोग जो है देख पाते हैं, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, हीट को ऑब्टेन कर पाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। वही पांचवा सोर्स की बात करें तो पांचवा सोर्स है हमारा एटॉमिक एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये इतना खतरनाक एनर्जी है ना, अगर मैं बात करूं सन के बाद, अर्थ के बाद जो सबसे खतरनाक एनर्जी सोर्स माना जाता है उसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। वी नो दैट कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आज के डेट में बात किया जाए थोरियम है, ठीक है ना, फिर आपका थोरियम के बाद टाइटेनियम हो गया, ठीक है ना, और भी हम लोग बात करें रेडियम है, ठीक है ना, ये सब जो होता है, यूरेनियम सबसे खतरनाक, तो यूरेनियम मुझे याद नहीं आ रहा, यूरेनियम जो है, तो ये सब चीज़ से आप क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। हमको पता है कि हम क्या करते हैं एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हो गया, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो क्या करते हैं एक तरीके से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते तो हीट भी प्रोड्यूस होता है, वो हीट जो होता है इतना खतरनाक होता है कि रेडिएशन भी फैल सकता है, जिससे लोगों की जो बोलते हैं ना जान भी जा सकती है या फिर आपको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एटॉमिक एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। और एटॉमिक एनर्जी जो बनती है उसमें आपका हीट भी निकलता है, तो हीट भी एक सोर्स हो गया। एंड एक और सोर्स की बात करें जो कि सिक्स्थ सोर्स माना जाता है यहाँ पे, हवा। आपका हवा कभी कभी महसूस किया है गर्मी का सीजन के कारण आपका हवा भी जो है गर्म गर्म आता है, क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ सन। सन जो है इतना गर्म है तो आपका जो गर्मी का सीजन आता है तो और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जब हवा चलती है एटमॉस्फेयर में तो वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है उसको हवा एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके अंदर क्या आ जाता है, एक तरीके से गर्मी आ जाता है। और वो गर्मी वाला हवा जब जोर जोर से चलता है तो आपको एकदम गर्म गर्म महसूस होता है। आपने देखा है गर्मी के सीजन में आप गाड़ी चलाओ, ट्रेन में बैठो, ऐसे ऐसे जगह जाओ, थोड़ा सा जो खुला एरिया रहता है, इतना गर्म गर्म जोर से हवा लगेगा ना, आपका चेहरा भी जल सकता है। मतलब जलेगा तो नहीं, लेकिन आपको महसूस होता है कि मेरा चेहरा जल रहा है, जलन वाला होता है। तो उसको लू बोलते हैं हिंदी में, आप लोग अगर जानते होंगे जिनको यहाँ पे पता होगा ये वर्ड को हिंदी में लू बोलते, तो लू चलता है। देखो बोलते हैं ना, अरे बाहर बेटा लू चल रहा है, मत जा, गरम गरम हवा चल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा, तबियत खराब हो जाती है। तो वो एयर भी जो हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हमारे हीट के लिए। एंड एक और सोर्स मैं यहाँ पे नाम लूंगा टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस किया कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर है तभी तो हीट है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा। लेट सपोज कि आपके सामने तीन ऑब्जेक्ट रखे, एक मेरा ये ऑब्जेक्ट है, एक मेरा ये ऑब्जेक्ट है, एक मेरा ये ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी एंड सी। ये तीन ऑब्जेक्ट मैंने आपको पूछा, मैं आपको बताऊंगा कि बेटा बताओ ये तीनों ऑब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है, सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है। अगर मैं आपको पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला गर्म है, ये वाला ठंडा, ये वाला गर्म है, कैसे पता लगा? आप इसको क्या करोगे, छूओगे, टच करोगे। आपके सामने मैंने रख दिया एक कप कॉफी, रख दिया एक बिरयानी, रख दिया एक आइसक्रीम रख दिया, तो आप जब टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा चीज ठंडा है लेकिन कौन सा चीज गर्म है। लेकिन आप कैसे बता सकते हो, कंपेयर करके बता सकते हो। कंपेयर करके क्या बताया आपने, टेम्परेचर बताया कि यार ये थोड़ा सा ना इसके कंपेरिजन में, मतलब बी वाला जो है ना इसका ए से थोड़ा ज्यादा गर्म लग रहा है, सी वाला जो है ना बी से थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन आपने टच किया। तो टच करके आप उसका सही टेम्परेचर या फिर सही हीट नहीं बता सकते, वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। ये हमारा जस्ट एक इमेजिनेशन होता है, क्योंकि अगर वही मैं बात करूं, दो ऐसे ऑब्जेक्ट रख दूं, एक का टेम्परेचर 10 ले लूंगा, दूसरे का 11 ले लूंगा, तो आप टच करके बता सकते हो क्या कि कौन सा 10 है कौन सा 11 है? आप इतना माइनर डिफरेंस नहीं बता सकते, आप खाली बता सकते हो कौन सा एकदम ठंडा है, कौन सा एकदम गर्म है, उसके बीच में डिफरेंस बता सकते हो। और ये करते करते आपका हाथ भी जल सकता है अगर ज्यादा गर्म हो रहेगा तो हम लोग हाथ से हर चीज को मेजर नहीं कर सकते थे जैसे पुराने जमाने में होता था। हर चीज हम लोग सेंस करके, टच करके, टेस्ट करके हर चीज नहीं पता लग सकते, उसके लिए बहुत सारे डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो डिवाइस बन चुका है मार्केट में, जो कि बहुत सालों से है, जिसका नाम है दोस्तों थर्मामीटर। तो थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने यूज भी किया होगा। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज का टेम्परेचर को मेजर कर सकता है एंड ये बता सकता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 50 है, 100 है, 500 है, कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर एक छोटे से छोटा क्लिनिक जो होता है हॉस्पिटल वाला, उससे लेके आपके बड़े बड़े फैक्ट्रीज तक सब में जगह यूज होता है आपका टेम्परेचर, आई मीन टू से थर्मामीटर, जिससे आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजरिंग यूनिट, जो हमारा टॉपिक भी है ना, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, थर्मामीटर से कर रहे हैं। यूनिट क्या रहेगा इसका, डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। अब ये चीज़ क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर के पास जाने के बाद आप क्या, आपको क्या बोलते हैं, डॉक्टर 102 डिग्री बुखार है। तो 102 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है कि फ़ारेनहाइट होता है, दोस्तों बताओ, ये मैं आपको बताऊंगा, वो होता है फ़ारेनहाइट। इसके लिए हमेशा याद रखना। और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री होता है, लेकिन वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है कि सेल्सियस होता है, वो होता है सेल्सियस। तो ये सब चीज़ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फटाफट से ये बोर्ड रफ कर लेता हूं, 2 मिनट का और सेशन लूंगा, फिर हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी दोस्तों।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है ये चैप्टर करके। एंड दोस्तों इस तरह से पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग का हर चीज में कंसेप्ट जो है क्लियर करा के दे सकूँ। एंड इस तरह से मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा आप लोग को, बस आप लोग ध्यान में ये चीज रखोगे तो ठीक है ना। फटाफट से रफ कर लेता हूँ एंड फिर आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स स्टडी फास्ट। ओके, तो क्या टॉपिक, जैसे मैंने बोला आपको कि हम लोग को पता लगाना है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, हम लोग पढ़ रहे थे थर्मामीटर का खेल क्या होता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, हीट और टेम्परेचर का। वी नो दैट कि हम लोग हीट और टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है ना। हीट और टेम्परेचर पहले मैं हेडिंग डाल दूं, ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए आप, मैं मार्कर रेड वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हीट एंड टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला कि इसको मेजर करने के लिए हमारा जो डिवाइस है जिसका नाम है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर को मैं बताने के पहले कि जैसे मैंने बोला कि थर्मामीटर को मेजर करने के लिए तीन डिग्री होती है हमारे पास, या तो वो डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या तो वो फेरनहाइट हो सकता है, या तो वो केल्विन हो सकता है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर एक छोटे सा चीज ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो उसमें दो से तीन चीज़ डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टेम्परेचर जो होता है ना वो टोटली डिपेंड करता है आपके गैस के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा गैस जो होता है, कोई भी गैसेस मीडियम ले लो, तो वो जब हाई टेम्परेचर पर रहेगा ना तो उसके मॉलिक्यूल्स ना बहुत तेजी से भागते हैं। यानी कि जो गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अनस्टेबल होते हैं। ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जस्ट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो गैसेस सब्सटेंस ऐसे होते हैं, लेट सपोज आपके पास कोई भी गैस है ऑक्सीजन, लेट सपोज आपके पास ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन जहां पे प्रेजेंट है वहां का टेंपरेचर बहुत ज्यादा हॉट है यानी कि गर्म है, तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। यानी कि आपका टेम्परेचर के वजह से, हाई टेम्परेचर के वजह से दोस्तों क्या होता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपांड होते हैं। वही अगर मैं बात करूँ लो टेम्परेचर पे जो गैस होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये चीज़ मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक रूम है हमारे पास, रूम में बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, जब वो हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो वो फटाफट से भागने की कोशिश करेगा और ये रूम से जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वही सेम रूम है और टेम्परेचर एकदम ठंडा है, तो जो गैसेस सब्सटेंस यहाँ यहाँ जो बिखरे पड़े थे गैसेस मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, करेक्ट है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, हाई टेम्परेचर पर गैस क्या होता है, एक्सपांड होता है, लो टेम्परेचर पे जो गैस होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दो चीज़ आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो, और वेलोसिटी भी इसके ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हायर टेम्परेचर पे, यानी कि जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो मैंने क्या बोला, एक्सपांड होता है, तो एक्सपांड हो रहा है यानी कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी होती है ना, जो गति होती है, जो तेजी होती है, स्पीड, वो स्पीड गैस की बहुत बढ़ जाती है। यानी कि जैसे उसको लगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अब भागो यहाँ से, फटाफट से भाग जाओ, तो भागता है, यानी कि वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, भाग भी रहा है, साथ ही में कैसे भागेगा, तेजी से भागेगा। यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा हो जाती है, और वही हम लोग बात करें लो टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, ठंडा टेम्परेचर बोलेगा हाँ मैं रह सकता हूँ यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आराम से हो जाएगा, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, हायर टेम्परेचर पे हायर वेलोसिटी, लोअर टेम्परेचर पे लोअर वेलोसिटी, ये याद रखना है, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम चलते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जिसको मैंने बोला कि थर्मामीटर में तीन डिग्री से हम लोग मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से, फेरनहाइट से एंड केल्विन से। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर चीज को मेजर करने के लिए यूनिट होता है, जैसे मैंने बताया। तो थर्मामीटर में तीन टाइप के हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस में, एक फेरनहाइट में, केल्विन में। तो जो डिग्री सेल्सियस जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। जो आपका इंडस्ट्रीज होते हैं, जो फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो ये यूज होता है डिग्री सेल्सियस यूज होता है, ठीक है। या फिर आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, अगर हम बात करें आपको तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है इसको भी मेजर करने के लिए यहां पर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहां पर डिग्री सेल्सियस यूज किया जाता है। फेरनहाइट जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा फेरनहाइट का इस्तेमाल आपके क्लिनिकल लैबोरेटरी में होता है। क्लिनिकल लैबोरेटरी यानी कि क्या हो गया, क्लिनिकल लैब हो गया, या फिर आपका हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना। तो आप जब भी बीमार पड़ते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, क्लिनिक जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, एक छोटा सा थर्मामीटर निकालता है, आपके बाजू में लगाता है एंड चेक करता है आपका थर्मामीटर क्या है। या फिर मुंह में, पहले बचपन में छोटे में मुंह में लगाते थे, लेकिन वो अनहाइजीनिक होता है, इसके लिए आजकल सब ये अंडर आर्म्स के नीचे लगाते, जिससे हमें टेम्परेचर पता चलता है। तो फेरनहाइट उसका होता है, और केल्विन जो होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में केल्विन का इस्तेमाल होता है, या फिर लैब वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आपको बेसिक में बताने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब ये तो आपको, आपने समझ लिया कि जो सेल्सियस है, फेरनहाइट है, या फिर केल्विन है, इसकी बात कर लिया, और ये साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसको यूज करते हैं, आज के डेट में भी एंड पुराने जमाने में भी यूज किया जाएगा, लेकिन इनके बीच में रिलेशन है। अगर मैं बात बोलूं कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो कितना फेरनहाइट हुआ, तो ये कैसे पता लगाएंगे,
ऐसे पता लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट लोग थे, ये डिग्री फेरनहाइट और केल्विन, उनको पता था कि तीन तीन अलग अलग यहाँ पे मेथड है मेजर करने वाला टेम्परेचर को। तो हम कैसे मेजर करेंगे तीनों को जब एक साथ करना होगा, तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। तो ये तीनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो एक फॉर्मूला आपको मैं बताने वाला हूँ, दो फॉर्मूले बताने वाला हूँ, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि क्या होता है इनके बीच में रिलेशनशिप एंड कैसे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन दोनों के बीच का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, जो आपका फेरनहाइट होता है एंड डिग्री सेल्सियस, डिग्री फेरनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन क्या है, एक फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना, ये दोनों का रिलेशन। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू सी बाय 5। तो ये जो फॉर्मूला है, या आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, आप इसको लर्न करते बैठिएगा। जब भी हम लोग अगला लेक्चर आएंगे आपको लेके, लेक्चर नंबर 2 जब लेकर आएंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल कराऊंगा, तो बहुत मजा आएगा। तो यह हो गया पहला एग्जाम्पल, पहला एक बोल सकते हो फॉर्मूला फॉर फेरनहाइट एंड डिग्री। तो फेरनहाइट अगर दिया रहेगा तो हम लोग डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो फेरनहाइट निकाल सकते हैं। और एक और है हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में दोस्तों, ये है हमारे केल्विन और सेल्सियस के बीच में। ठीक है ना, तो केल्विन को के बोलते हैं, डिग्री केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन। तो क्या होता है इन दोनों के बीच का रिलेशन, वो आपको मैं एक फॉर्मूला से बताऊंगा। तो फॉर्मूला इस प्रकार है, के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से हम लोग केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। अगर केल्विन दिया रहेगा तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं, सेल्सियस दिया रहेगा तो केल्विन में निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग फटाफट से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना एंड लर्न कर लेना, क्योंकि जब भी अगला लेक्चर मैं लेकर आऊंगा, इंतजार करना आपको बस कुछ ही दिन का, मिल जाएगा आपको अगला लेक्चर जिसमें हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार दोनों के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस आज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली एंड उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला लेक्चर लेकर फटाफट, टेंशन नहीं लेना है। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, ये कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।